दिन ब दिन संक्रमितों की संख्या में इजाफे को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के अनेक जिलों में लॉकडाउन लगाए गए हैं। लॉकडाउन प्रभावशील है। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिले के टेंपल सिटी सिवरीनारायण में 24 जुलाई से 30 जुलाई तक लॉकडाउन प्रभावशील है, जिसकी व्यापक तैयारी में जिला प्रशासन, नगर प्रशासन एवं थाना प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। गौरतलब है कि अभी कोविड-19 ने समूचे भारतवर्ष में हाहाकार मचा रखा है, रौद्र रूप अपनाया है। कोविड-19 का कहर मानो त्रासदी बनकर आया है, इस कारण आम जनमानस परेशान है। नगर के केरा रोड में बिलासपुर मुख्य मार्ग में सबरी सेतु पुल के पास बैरियर से आवागमन करने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा पारुल माथुर के मार्गदर्शन में सूर्यनारायण थाना प्रभारी मोतीलाल शर्मा एवं पुलिस स्टाफ के द्वारा सूर्यनारायण नगर में 24 से 30 जुलाई तक लागू होने वाले संपूर्ण लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए फ्लैग मार्च निकलवाया गया। थाना सूर्यनारायण के नगर पंचायत में सघन फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में सूर्यनारायण वासियों को लॉकडाउन का पूर्ण पालन करने की हिदायत दी गई। सभी को अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलने की समझाइश दी गई और अत्यंत चिकित्सकीय संबंधी आवश्यकता होने पर ही मास्क पहनकर घर से बाहर निकलने की समझाइश दी गई। थाना प्रभारी मोतीलाल शर्मा द्वारा कार एवं बाइक से फ्लैग मार्च निकालकर नगरवासियों को लॉकडाउन का पूर्ण पालन करने और अनिवार्य रूप से मास्क पहनने की समझाइश दी गई। वही लॉकडाउन में नगर के सभी व्यवसायी, नागरिकों एवं सभी सहयोगियों ने लॉकडाउन को सफल बनाया। उसी प्रकार इस बार भी सभी का सहयोग अपेक्षित है। नगर पंचायत और राजस्व अधिकारी, तहसीलदार तथा पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई और बैठक में निश्चित किया गया है कि नगर पंचायत एरिया सिवरीनारायण, खरौद, राहौद तीनों जगह पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा महामारी कोरोना को देखते हुए। और इसमें अपने नगर पंचायत सिवरीनारायण को 5 जोनों में विभक्त किया गया है, जिसमें 3 प्रमुख मार्गों में बैरियर रहेगा और प्रत्येक जोन में 2-2 पार्षद कम से कम और उनके साथ 2-2 पुलिस स्टाफ घूम घूम कर लोगों को घर में रहने की समझाइश देंगे, किसी तरह से बाहर न निकलने की सलाह देंगे ताकि सभी की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। यहाँ करीब 20 आदमियों का स्टाफ हमारा पुलिस का ड्यूटी पर रहेगा। इसी तरह से खरौद और राहौद में भी 2-2 पार्टी बनाई गई है, पेट्रोलिंग पार्टी भी है और गश्त पार्टी भी है। अपन 7 दिन के लिए शासन के आदेशानुसार जनता को समझाइश भी देंगे और इस पर न मानने पर कड़ाई भी की जाएगी और हो सकता है जरूरत पड़े तो अपराध भी कायम किया जाएगा। जनता टाइम्स न्यूज के लिए जिला जांजगीर चांपा से लखनलाल कश्यप के साथ नरेंद्र कश्यप की रिपोर्ट।